युवा महोत्सव विजिट करने के बाद हमने किया लंच और 4 बजे हम निकले रानी द वॉटरफॉल की तरफ, विच इज 12 किलोमीटर्स फ्रॉम जशपुर नगर। ऑन अ वे टू रानी द वॉटरफॉल वी विटनेस्ड अ विलेज। कुछ अलग ही बात थी इस विलेज की, शांत माहौल, कच्चे पक्के मकान और ठंडी हवा। सारा दिन जशपुर शहर घूमने के बाद जब हम इस जंगल से गुजरे, एक अलग ही सुकून मिला। जहां नजर जाती थी वहां हरियाली, घने जंगल और सनसेट का वक्त। व्हाट बेटर कैन अ बाइकर आस्क फॉर इन अ ड्राइव देन एन एडवेंचरस ऑफ रोड इन डेंस जंगल। हम जा रहे हैं रानी दा वॉटरफॉल और रानी दा वॉटरफॉल के एग्जैक्टली 3 किलोमीटर पहले हमें ये बहुत खूबसूरत सा एक पहाड़ मिला है। पीछे का व्यू आप देखें, दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल। एंड हम रोक नहीं पाए अपने आप को यहाँ पर रुकने से, बहुत ही सुंदर है। और मेरे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि सामने जो 5 पत्थर दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5 बड़े बड़े पत्थर हैं, ये 5ों पत्थर का नाम है पंच भैया। ये पंच भैया मतलब 5 भाई। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि रानी दाह वाटरफॉल में उड़ीसा की कोई रानी थी जो वहाँ पे कूदने जा रही थी। तो वो रानी कूद गई उस वाटरफॉल से और ये जो 5 भाई हैं ये उन्हें बचाने निकले थे। तो जैसे ही रानी कूद गई वहाँ पे और ये 5 भाई जो उन्हें बचा नहीं पाए, वो यहाँ सामने 5ों पत्थर बन गए। वॉट एन इनक्रेडिबल स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हमारी नायशा वहाँ पे खड़ी है, अभी जाएंगे नायशा के पास और कुछ अमेजिंग फोटोज क्लिक करेंगे। After a long day of exploration, we all gathered at this beautiful mountain and had fun time. And the wind was blowing too strong, which made the evening even better. And a few more adventures later, we finally arrived at Rani Dah Waterfall. तो हम पहुंच गए हैं रानी दा वाटरफॉल और यहाँ से वाटरफॉल के लिए हमें लेनी पड़ेगी कुछ सीढ़ियाँ। तो यहाँ से हमें नीचे उतरना है। एंड पानी पूरा व्हाइट कलर का है एंड सडनली सनसेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। रानी दा वॉटरफॉल इज माइटी एंड सीरीन। इसका नाम रानी दा क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत सी अलग अलग कहानियाँ हैं। इस कहानी का ये वर्जन हमने यहाँ के एक लोकल से सुना था। उड़ीसा के राजा की एक बेटी थी शिरोमणि। राजा उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करना चाहते थे। वह ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी दासियों के साथ घर छोड़कर चली गई और इसी झरने से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ उनकी समाधि भी देखी जा सकती है। रानी को बचाने उसके 5 भाई भी उसकी तलाश में उसके पीछे गए और वो उसे बचा नहीं पाए और श्राप के कारण पत्थर बन गए। यह जगह पंच भैया के नाम से मशहूर है। तो यह थी जशपुर के मशहूर रानी दा वॉटरफॉल की कहानी, जिसे सुनकर दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ डे 2 टू द जर्नी टू जोहार जशपुर।